नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। कपूरथला के केंद्रीय जेल में एक कैदी ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। 1 फरवरी को आया था जेल में। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने गत दिनों बाबा मोहन दास मार्केट में हुई लूट के मामले में 24 घंटों में सुलझाया केस। 4 आरोपियों को भारी मात्रा में असले सहित किया काबू। और अब हलचल विस्तार से। कपूरथला के केंद्रीय जेल में एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक कपूरथला के बाथरूम में एक कैदी के फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान गुरनाम सिंह निवासी गांव गोसोवाल थाना मेहतपुर के तौर पर हुई है। मृतक के खिलाफ थाना मेहतपुर में एनडीपीसी एक्ट के तहत केस दर्ज है और वह 1 फरवरी को ही कपूरथला जेल में आया था। गत रात्र उसके अपनी बैरक के बाथरूम के एग्जिट फैन की ग्रिल के साथ फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं जेल सुप्रिटेंडेंट इकबाल सिंह ने पुष्टि की है कि आत्महत्या करने वाला कैदी एचआईवी से पीड़ित था। एक डेड बॉडी आई है सेंट्रल जेल तो जड़ी आज मॉर्चरी और पोस्टमार्टम किया जाएगा और उन्होंने पुलिस पेपर अवेटर है कि असी एक डॉक्टर का बोर्ड गठित करता जिद डॉक्टर निहारिका डॉक्टर संदीप सिंह डॉक्टर तुषार बोर्ड के मैंबर होंगे और अज वह पोस्टमार्टम किया जाएगा और उस तो बाद ही पता लगेगा कि मौत का की कारण है। जलंधर की बाबा मोहन दास मार्केट के नजदीक गत दिवस कुछ नौजवानों ने एक विद्यार्थी का मोटरसाइकिल लूट लिया था और फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने इस घटना को 24 घंटे में सुलझाते हुए 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चाहल ने बताया कि पकड़े गए नौजवान लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे और ये सभी नशे के आदी हैं। अपने नशे की पूर्ति के लिए वह 35 से अधिक लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 1 रिवॉल्वर सहित कई गोलियां बरामद की है। पुलिस ने उक्त आरोपियों से विद्यार्थी का लूटा हुआ मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया। उन्होंने बताया कि एक नौजवान अपने ही पिता का रिवॉल्वर लेकर लूट की वारदातों को अंजाम देता था। अगर जांच में पता चलता है कि जिस नौजवान ने रिवॉल्वर के साथ वारदात को अंजाम दिया अगर वह उसके पिता की निकली तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अजय कुमार उर्फ अजू, जेतनाथ उर्फ काका, विकास कुमार उर्फ बिल्ला और बॉबी के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज करके पूछताछ शुरू कर दी है। जलंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वह जो मकसद सेगा जी कल वारदात हुई सी जलंधर च पिस्टल की नोक से जोड़ा बाइक होया उस तो बाद सी आई ए की टीम SHO डिवीजन 1 ADCP डिटेक्टिव इन्हों की टीम ने फरदर इन्वेस्टिगेशन करते हुए 4 बंदों को ये अरेस्ट किया है एंड 4 वैपन रिकवर किए हैं एंड उस तो अलावा इन्हों का जोड़ा है क्रिमिनल काफ़ी व्डा रिकॉर्ड से टोटल इन्ह के काफ़ी वारदात हजे तो असी इन्हों वारंट से लेंगे अभी इसको रिमांड से लेंगे इनको रिमांड तो बाद जो भी सामने आएगी थोनों दसागे लेकिन फिलहाल जो सूँ पता लगे है इन्हे हूँ तक इन्होंने तकरीबन 20 वारदात की है जिन्हें 17 FIR ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैगी सू वॉन्टिड से 17 FIR और मैक्सीम इना जी स्नैचिंग दी और लेटैसट इन्होंने 2023 में भी एक स्नैचिंग इतने कपूरथला चौक से की सी उस तो अलावा इन्हों का जो पुराना जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो शराब का ठेका हो गया उस तो अलावा इन्हों का जो पुराना जो रिकॉर्ड है कपूरथला च एंड अपने देहाती वह भी इसका इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उत्थे भी इन्हों स्नैचिंग दे लुटा खोआ दे 307 FIR हैगी ये टोटल 4 बंदे असी अरैसट किए गए जिसमें ज्योतनाथ हैगा विकास हैगा बॉबी एंड अजय कुमार। रॉयल फुटबॉल अकेडमी की ओर से स्वर्गीय मोहिंदर पाल बत्रा और स्वर्गीय नंद किशोर की याद में दूसरा फुटबॉल टूर्नामेंट तोफखाना बाजार जालंधर शामनिंग में करवाया गया जिसका शुभारंभ स्वर्गीय मोहिंदर पाल बत्रा और स्वर्गीय नंद किशोर के पारिवारिक सदस्यों के साथ ACP बबनदीप सिंह और पूर्व पार्षद हरविंदर पप्पू ने किया। इस मौके पर ACP बबनदीप ने क्लब के सभी सदस्यों को इस टूर्नामेंट के लिए बधाई देते हुए खिलाड़ियों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। इस मौके पर राजकुमार राजू, चौकी इंचार्ज विक्टर मसीह सोमनाथ और रॉयल एकेडमी के सभी सदस्यगण मौजूद थे।
रॉयल फुटबॉल अकेडमी वालों सैकेंड मेमोरियल टूरनामेंट कराया जा रहा है लेट श्री महिंद्रपाल जी और लेट श्री आनंद किशोर जी की याद में जो कि बहुत ही चंगा उपराला है। इस 32 टीमां शरीक हुई ने जिहड़ियां कि फुटबॉल टूरनामेंट में हिस्सा ले रही हैं। यह बहुत ही चंगा उपराला है जिस के तहत इन्होंने नौजवान जिहड़े साडे हन जिहड़े कि बहुत सारी माड़ियां गतिविधियां दे विच फसे हुए हैं उन्होंने नशे तो दूर करते हुए खेडां दे प्रति उत्साह जिहड़ा आ उन्हूं उजागर किया है। तो मैं सारी दे सारी रॉयल अकैडमी नूं वधाई दिंदा आ अते आशा करदा हां कि आने वाले समय दे विच इदां दे होर उपराले करनगे अते जिहड़े डिपार्टेड सोल्स ने उन्हां दी शांति वास्ते यह बहुत ही चंगा उपराला। रॉयल फुटबॉल क्लब वालों अज तोपखाना बाजार के टूरनामेंट कराया गया जिस दे नाल साडे मुख मेहमान बबनदीप सिंह डी एस पी और कैंट दे मेयर पप्पू जी सोनू अंबरकार बाजार वालों सारयां दे वालों मैं सारयां नूं लख लख वधाई दिंदा और गेमां कराउण वाले ने यह अपील करदा नशे तो दूर नशे तो हमेशा इन्हां ने यह सोचा कि आपां जिन्हें नौजवान सभा आ मुंडे आ हो सोसाइटियां इन्हां नूं नशे तो दूर रख्या है। रॉयल क्लब वालियां नूं फुटबॉल टूरनामेंट वालियां नूं मैं बहुत बहुत वधाई दिंदा मेरे वालों मेरे परिवार वालों टूरनामेंट दीआं सारयां नूं वधाई। पंजाबी एकता वेलफेयर सोसाइटी जंडियाला गुरु की ओर से एक बहुत ही बढ़िया कार्य करते हुए एक 17 वर्षीय बच्चा जो कि बचपन से ही मंदबुद्धि है और हर समय शहर की सड़कों पर ही घूमता रहता है तथा कूड़े के ढेर से गंदा खाना उठाकर खाता है उसे इलाज हेतु लुधियाना में मानवता की सेवा नामक समाज सेवी संस्था के पास पहुँचाया। इस संस्था को गुरप्रीत सिंह मट्टू चला रहे हैं और इस मौके पर पंजाब एकता वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान दलजीत सिंह खालसा ने बताया कि उन्होंने ये संस्था पिछले लगभग 2.5 महीने से ही शुरू की है और वह चाहते हैं कि जो भी मंदबुद्धि और बेसहारा लोग सड़कों पर घूमते हैं उनका इलाज किया जाए ताकि वे आप लोगों की तरह जिंदगी गुजार सके। उन्होंने बताया कि वह फिलहाल अपनी सोसाइटी के सदस्यों से ही पैसे इकट्ठे करके प्रयास कर रहे हैं और उनके इलाके के लोगों ने भी उन्हें यह सहयोग देने का विश्वास दिया है। उन्होंने बताया कि बच्चे के इलाज के लिए लुधियाना की मानवता सेवा संस्था की ओर से बीड़ा उठाया गया है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। बूट जराबा जोड़े आनू पा आए हैं और वाहगुरु जोड़ा वा आप अगे हो के जी सेवा आदा इदा के वीर तो बच्चों तो बड़ी वही सेवा है भी कि जरा मन के गल आ सेवा भावना की कि कोई नंगे पैरी तुरै फिर तो उन्होंने आप बूट पाइए तो कल इलाज कराने वास्ते इन जरा वा लुधियाने लैके जा रहे हैं। ताडे आशीर्वाद ताडियां दुआवां दे सदका वाहेगुरु सच्चे पातशाह जिहड़े उह कृपा करन ते इह बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाए। ये साडी पंजाब एकता वैलफेयर सोसाइटी है जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो अज तुसीं इत्थे किस काम वास्ते आए? ये जी मेरा खुद अपना शहर जंडियाला गुरु आ कुछ दिन तो असं ये बच्चे वेख रहे ही जंडियाला गुरु का घा मंडी चौंक जड़ा वा वो बड़ा मशहूर और मनिया चौंक आ उत्थे बच्चा काफ़ी दिन तो जड़ा वा वो ट्रैफिक दे विच सड़क तो कदे इधर कदे उधर जड़ा वा वो जांदा ही और डर इस गल दा ही कि ये किसी गड्डी दे हादसे का शिकार ना हो जाए। और फिर असी गल की लुधियाना मनुखता की सेवा सोसायटी गुरप्रीत मिंटू वीर जी के नाल और उन्होंने सानू कहा कि तुसी परिवार के जिहड़े मैंबर आ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਗਾਈਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਵੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਚਾਹ ਪਿਆਉਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ 2016 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ ਹੈ
और अही चाहते हैं कि जंडियाला गुरु की वो लागे बन्ने कोई भी कोई इदा की रब की मार जिदे उत्ते पई आ वह ना रवे हर किसी का इलाज होवे और जड़िए लोग नशे दे विच वड़ चुके ने कुछ वह भी छुटकारा करन ते वध तो वध संस्थावां दे नाल जुड़न हुण जिवें असी जंडियाला गुरु शहर दे विच जिन्ने भी मैंबर साढ़े हैगे ने वो तो सारे नशा मुक्त है ही नहीं और अही चाहते हैं भी होर भी जिन्ने जंडियाले दे लोग ने वो साडा वध तो वध चढ़ के साथ देण। श्री गुरु रविदास मंदिर कटड़ा मोहल्ला बस्ती दानशमंदा जलंधर की ओर से श्री गुरु रविदास जी महाराज के 646वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 10वीं बरवात फेरी प्रधान मदन लाल खिंदर की अध्यक्षता में निकाली गई, जिसका शुभारंभ मंदिर कमेटी के प्रधान एवं पार्षद मदन लाल खिंदर ने सपरिवार उपस्थित होकर किया। इस दौरान स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती देवी, कृष्णा देवी, रमा देवी, संतोष रानी, उषा रानी, सुमन लोंच ने श्री गुरु रविदास जी महाराज की महिमा का गुणगान करते हुए इलाके की परिक्रमा की। यह प्रभात फेरी बस्ती दानशमंदा स्थित सतपाल खिंदर और रिंकू खिंदर के निवास स्थान पर जाकर संपन्न हुई, जहाँ पारिवारिक सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर एक विशाल लंगर भी लगाया गया। इस मौके पर समस्त कमेटी सदस्यों को श्री गुरु रविदास मंदिर कमेटी की ओर से सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर मंदिर कमेटी के चेयरमैन चौधरी परशुराम, सदस्य सतपाल पाला, स्वर्ण यादव, महेश अंगुरार, राकेश लौंच, प्रदीप थापा, पवन अत्री, चमनलाल पाठी, बलबीर लौंच, रतन लाल पाठी, गुरदयाल, जंग बहादुर, लाडी अंगुराल, कमल डालिया सहित असंख्य भक्त जन मौजूद रहे। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। सो आज दी प्रभात फेरी, 10वीं प्रभात फेरी जो श्री गुरु रविदास मंदिर कटड़ा मोहल्ला विचों निकाली गई है, जिसकी अध्यक्षता साडे गुरु घर दे प्रधान मानयोग श्री मदन लाल खिंदर जी अते पूरी टीम ने कीती है। सो ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 646ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਰਿੰਕੂ ਖਿੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਸਤਪਾਲ ਖਿੰਦਰ ਜੀ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਜੋਂ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਰਿੰਕੂ ਖਿੰਦਰ ਔਰ ਸਤਪਾਲ ਖਿੰਦਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹਵਨ ਜੱਗ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ 10 ਵਜੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲੰਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਮਹੇਸ਼ ਅੰਗੁਰਾਲ ਜੀ, ਸਵਰਨ ਯਾਦਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਕਟੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ 646ਵੇਂ हंसराज महिला महाविद्यालय की ओर से फैशनिस्टा द ग्लैम शो 2023 का आयोजन पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फैशन डिजाइनिंग की ओर से रागनी एडिटोरियम में किया गया, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस एनके सूद ने बतौर मुख्य अतिथि, अर्थोनोवा अस्पताल की सीईओ डॉक्टर जसलीन कौर ने लेडी ऑफ द डे, जबकि दैनिक सवेरा की डायरेक्टर वाणी विज, एवरग्रीन पब्लिकेशन जलंधर की सीईओ रोनिता, रेडियो सिटी की रीजनल प्रोग्रामिंग डायरेक्टर सीमा सोनी ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं सहित प्रसिद्ध मॉडल ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर श्रीमती अजय सरीन, नवनीता ऋषभ, डॉक्टर अश्मीन तौर,
डॉक्टर संगीता अरोड़ा साहित्य कॉलेज का अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। जलंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। हाथ दिए हैं तो इनमें हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। कि हम गूंगे थे हमें गुफ्तगू तुमने सिखाई, अब जो बोले तो बातों में असर भी देना। अब जो हम बोले तो बातों में असर भी देना। मैं एक कतरा भी किसी गैर से ना लो, एक कतरा भी समंदर है अगर तू उसे दे दे, अगर तू उसे दे दे। आज की इस बहुत ही सुंदर दोपहर में जिसमें उस सूर्य देवता की रोशनी तो है ही है, उसके साथ यहाँ पर जो रंग बिरंगी रोशनी से ये रागिनी ऑडिटोरियम नहाया हुआ है, उस रागिनी ऑडिटोरियम में आप सबका तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत, सुस्वागत और उसके साथ ही साथ एक आभार भी कि हंसराज मेहता महाविद्यालय के निमंत्रण पर आप सब लोग आज एक वर्किंग डे की दोपहर पर यहाँ पर हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। आज के हमारे इस समारोह में शहर की गणमान्य हस्तियां उपस्थित हुई हैं। अगर मैं नामों की परिपाटी में जाऊंगी तो यकीनन मैं किसी न किसी नाम को मिस कर जाऊंगी और वो गलती मैं आज के दिन करना नहीं चाहती। सो इस रागिनी ऑडिटोरियम में उपस्थित वो हर शख्स जो हमारे निमंत्रण के ऊपर इन बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए आया है, एक एक कदम जो आप चलकर आए हैं हम उसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं जोरदार तालियों के साथ। फिर भी मैडम वानी विज का, मैडम सीमा सोनी का और अपनी बहुत ही प्यारी सी रोनेटा जो कि हमारी ही यहाँ की स्टूडेंट है, हमारी ही एल्यूमनाई है, उनका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जिंदगी में अच्छा प्रोफेशन चूज कर सकती हैं, इसके लिए मैं अपने स्टाफ को, अपने टीचर्स को बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि जिन्होंने ये सब्जेक्ट
अपनी विद्यार्थियों के लिए चुना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने जीवन में ये इस प्रोफेशन को फॉलो करके वो आगे बहुत ही सफल सिटीजन्स बनेंगी। मैं एक बार फिर प्रिंसिपल महोदय को और इस सब्जेक्ट के स्टाफ को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा इतना अच्छा प्रोग्राम बनाने के लिए। मेरे जो मैनेजिंग कमेटी के सहयोगी हैं उन सब की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। कपूरथला के केंद्रीय जेल में एक कैदी ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। 1 फरवरी को आया था जेल में। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने गत दिनों बाबा मोहन दास मार्केट में हुई लूट के मामले में 24 घंटों में सुलझाया केस। 4 आरोपियों को भारी मात्रा में असले सहित किया काबू। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।